यू नो मुझे समझ आ गया है कि लोग क्यों इतनी बातें बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वो असलियत से वाबस्ता ही नहीं होते, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। और जब इंसान को अवेयरनेस नहीं होती तो फिर वो अपने आप से ओपिनियंस बनाता है, जिसे अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियंस कहा जाता है, और इन ओपिनियन से दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचती है। सना मुझे बताएं, लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट, आप मुझे बताएं व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू हर्ड द वर्ड डायबिटीज़, आपने पहली बार कब सुना था ये वर्ड? मेरी नानी की क्लिनिक थी, अ गर्ल केम टू हर, वो 17 इयर्स ओल्ड, उसको डायबिटीज़ थी। सो आपकी नानी डॉक्टर थी? माय नानी वाज अ डॉक्टर। ठीक है। सो उनके वो अंदर जब क्लिनिक से वापस आई तो उन्होंने मुझे बताया, शी वॉज़ वेरी अपसेट, वेरी शॉक्ड के इतनी यंग बच्ची को डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। सो शी केम इन एंड सेड के मैंने आज पहली बार देखी है, इतनी यंग बच्ची को डायबिटीज़ थी, एंड शी वॉज़ वेरी अपसेट अबाउट इट। तो मैंने कहा अच्छा नानी क्यों, क्या सिम्टम्स थे उसको डायबिटीज़ के? सो शी टोल्ड मी ऑल द सिम्टम्स के ये सिम्टम्स हैं उसके। सो वेट लॉस था उसका काफ़ी ज़्यादा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता था, थकी रहती थी हर वक्त, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी उसको। सो नानी ने मुझे जब ये सिम्टम्स बताया तो आई सेड कि अच्छा ये सारे सिम्टम्स तो मुझ में भी हैं, बिकॉज आई यूज़ टू ईट लाइक अ हॉर्स, मैं सारी चीज़ें खा लेती थी, एंड आई वॉज ऑलवेज थर्स्टी, मैं डेढ़ लीटर पानी की बोतल एक दफ़ा में पी जाती थी और फिर भी मेरी प्यास नहीं ख़त्म हो रही होती थी। सो मैंने नानी से कहा अच्छा फिर तो मुझे भी डायबिटीज़ है। नानी ने मुझे पीछे से एक मुक्का मारा और बोला खबरदार आज के बाद ऐसी बात नहीं करनी। शी वॉज सो अपसेट टू हेयर दैट, इट वॉज हार्ड फॉर हर टू डाइजेस्ट के ये कुछ किसी में भी हो सकता है। आई यूज़ टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एट दैट टाइम, मेरे फादर आर्मी में थे और ही वॉज पोस्टेड इन अ स्मॉल कैंट स्कूल में, आई वॉज इन क्लास 9th एट दैट टाइम। तो स्कूल में आई वुड गो टू द वॉशरूम हर क्लास के बाद, इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं क्लास के बीच में से उठ के वॉशरूम जाती थी, और टीचर्स जो थी वो बहुत परेशान होती थी, वो मतलब दे न्यू आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, सो दे कुडंट थिंक कि जी अच्छा शायद क्लास को स्किप कर रही है, बंक करना चाह रही है, वट एवर, बट दे कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या मसला है मेरे साथ। एंड दे यूज़ टू टॉक बिहाइंड माई बैक, मेरी क्लास फेलोज जो थी वो मेरे बारे में मतलब दे वुड टॉक बिहाइंड माई बैक कि पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, वाई डज शी गो टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन। मुझे वो टाइम भी याद है, आई यूज़ टू गो टू स्कूल, और स्कूल आर्मी का एक ट्रक होता था, वो मुझे हमें लेने आया करता था। द स्कूल वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम नानीज़ होम, और मुझे ट्रक लेने आता था सुबह 6 बजे, और जब मैं जाती थी उसमें बैठ कर टिल माई स्कूल, जो कि 1 hour 20-25 minutes का रास्ता था, I used to stop the truck at various places and use the washrooms लोगों के घरों में जाकर। ट्रक में भी हर वक्त, आई मीन दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर पीपल के किसी के घर भी बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता इससे कि जी जहाँ पे ट्रक रुकता है तो शी वुड से कि मुझे आप 5 मिनट दें, एंड शी वुड रिक्वेस्ट दैट पर्सन कि आप अंदर चले जाएँ। तो लोग इस बारे में आपको तंग करते थे बच्चे? ये मेरे फेस पर तो नहीं कही कभी किसी ने, बट आई डू थिंक कि दे यूज़ टू टॉक बिहाइंड माई बैक अबाउट दिस, और उन्हें भी शायद ये समझ नहीं आ रही थी, दे वर प्रॉब्ली पुटिंग इट ऑन मी कि शायद दे आई कैन नॉट कंट्रोल, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। आई रिमेंबर एक दिन मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, और उसके बाद टू हाइड इट मैंने अपनी पूरी वाटर बॉटल अपने ऊपर उल्टा ली कि जस्ट सो दैट पीपल वुड नॉट नो अबाउट इट। इट वॉज अ टॉर्चर सम टाइम आई वुड से। And yeah, I mean, very painful also, right? To think about those things. Because as a child, you're already feeling so much shame, और आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से हुआ। वो एज भी ऐसी होती है, 15-16 years की लड़की जो होती है, उसके otherwise बहुत सारे emotional turmoils उस वक्त चल रहे होते हैं। अब 22 years later, मैं इस बारे में बात कर सक रही हूँ। मेरे ख्याल ये बात मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताई। ये पानी अपने ऊपर डालने वाली। Yeah. Thank you for sharing it with us. No, but it's important that you talk about these things. I mean, aapko pata hai ki aapko dekh ke there must be some young girl out there who must be going through this right now. Yeah. Iski itni hamari society mein koi aapko problem ho jaye, uska jo ek negative impact hai bande ki personality ke upar, wo itna strongly aata hai. It takes you a lot of courage ke aap uske against khade ho sake, baat kar sake uske bare mein. And to say कि हाँ जी ये आई मीन इट्स अ स्टिग्मा। एनी हाउ मेरी फिर इसके बाद ईद आई, ईद पे मैंने ओवर ईटिंग की काफ़ी सारी, फिर मेरी बर्थडे आई, बर्थडे पे मैंने 7-8 पीसेस केक के खा लिए, और फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। आई थिंक माई शुगर लेवल मस्ट हैव बीन अराउंड 600-700 में। ये सब कुछ होने के बाद अब इसका एक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर कि आप डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हो,
because all that you are drinking is passing out in the washroom. I had a flight back to my nani's home that day. और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा प्रॉब्ली स्टमक अपसेट हो गया है, कुछ खा लिया ऐसा बाजार से बाहर से या वट एवर, तो दे गेव मी स्टमक की मेडिसिंस एंड मैं एयरपोर्ट चली गई. एयरपोर्ट से आई टुक अ फ्लाइट. जब वो फ्लाइट स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द लास्ट ब्रेथ आई एम टेकिंग. जैसे ही एयर का प्रेशर ड्रॉप किया तो आई कुडंट ब्रीथ एट ऑल. मेरे और उस वक्त मुझे याद है कि मैं आई वॉज प्रेइंग कि अलमिया अभी तो मैं मरना नहीं चाहती. The plane flew for 5 minutes and then ek announcement hui ki ji multan mein achanak weather bigad gaya hai and we have to land back in lahore. That was an amazing miracle for me. Mujhe nahi pata maine wo announcement nahi ye announcement suni uske baad I do not remember anything. I'm getting goosebumps just listening to you. So they took me out of the airplane. Meri ticket information se they called my parents ki ji flight cancel ho gayi hai, please come back to pick her, aur uski tabiyat theek nahi hai. My parents rushed me to the hospital again. Jab wo hospital gaye to the doctor thought that probably I'm dehydrated because of my stomach issue. Aur main weakness bhi bahut feel kar rahi hu kyunki mujhse khada nahi hua ja raha, mujhe chakkar aa rahe hain etc. He put me on a glucose drip. Oh my god. And okay then जब जैसे मुझे ग्लूकोज ड्रिप लगाई तो आई वेंट इन टू अ कोमा. बिकॉज नेचुरली पहले ही मेरी ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई थी. द ग्लूकोज ड्रिप टुक इट टू 1200 प्लस. अ रैंडम ब्लड टेस्ट उस वक्त ब्रॉट आउट दैट वैल्यू एंड दैट वाज द टाइम दे रियलाइज के शी हैज हैड टाइप 1 डायबिटीज और हम में से कोई इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा. मेरी अपनी मदर भी डॉक्टर थी. शी वाज स्टैंडिंग देयर. उनके बहुत सारे कोलीग्स थे जो कि दे वर गैदर्ड अराउंड माई बेड. And none of them could understand us what kya ho raha hai iske sath. Jab ye diagnosis hua, meri mummy abhi bhi kehti hain, baat hi yaad karati hain ki tumhari aankhein andar chali gayi thi, haath paon tedhe ho gaye hue the and I was like ki ab gayi ab gayi ab gayi. Jab mera diagnosis ho gaya tab bhi doctors ne yahi kaha ki jitni buri halat mein ja chuki hai iska bachna bahut mushkil hai. Though we now know what the issue was, but ab is mushkil lag raha hai ki ye bach paaye. And one of them also told my mother ki iske wapas aane ki dua bhi mat karo. She would live a very very tough life. Anyhow, they gave me insulin. Insulin is the only treatment for type 1 diabetes. Type 1 diabetes mein your pancreas stops producing insulin altogether. Jab main discharge hokar wapas aayi, thankfully mera koi organ affected nahi tha. Jab main wapas aayi ghar to I remember ki har sham ko mere ghar mein I used to feel ki ek wo ताज़ियत करने आ रहे हैं. दे डिड नॉट नो कि इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. दे थॉट कि प्रॉबेबली डायबिटीज़ और इस स्टेज की डायबिटीज़ के जिस पे इंसुलिन लगनी पड़ गई है, दैट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस. आके मतलब दे वुड टेल माई मदर इसकी शादी कर देना, किसी को बताना नहीं. डोंट टेल एनी वन दैट शी हैज़ डायबिटीज़, क्योंकि जब तुम किसी को ये बताओगी ना तो इसकी नहीं इसकी बहनों की शादियाँ भी नहीं हो पाएंगी. Now when I think about it, अब जब मैं बच्चियों के साथ ऐसी काम करती हूँ तो I just tell them कि यार अगर किसी कोई आपको आपकी कमज़ोरी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, that person doesn't deserve you. Mean आप important हो. शादी हो जाना important है, but that's not the end of life. That's not the only aim in life. मेरे parents ने मुझे, especially मेरी mother ने medical care के उस पर बहुत ज़्यादा मेरा वो दिया. हर वक्त मेरी diet का ख्याल रखना, teachers को educate करना कि इसके साथ आपने इसको किस तरह हैंडल करना है. स्कूल में कंसर्न होती थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी ब्लड शुगर लेवल कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी. एंड व्हेन माय ब्लड शुगर वुड गो लो, माय मदर वुड गो ऑल आउट. लो ब्लड शुगर कैन बी फेटल समटाइम्स. मेरे फादर, मेरी मदर, माय सिस्टर्स, दे हैव ऑलवेज बीन एट माय बैक. कंसर्न अपनी जगह, बट दे लर्न्ड हाउ टू हाइड इट and they learned how to make me feel empowered. मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो है बेटे की तरह बड़ा किया. दे उनके जहन में ये बात बैठ गई हुई थी कि मेरी शादी नहीं हो सकती और मेरे बच्चे भी नहीं हो सकते. इसलिए क्यों बैठी हुई थी? इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ नंबर 1 nobody is going to accept you. कभी they were sure कि शादी तो होने नहीं वाली और बच्चे भी नहीं होंगे. बच्चे भी नहीं होंगे. सो वी हैव टू रेज हर अप एज अ मैन. एंड माई मदर kept telling me कि कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू बी अफेक्टेड बाई दैट. दो आई नो कि उनके अपने दिल के अंदर ये एक बहुत बड़ा पेन था. बट शी एम्पावर्ड मी.
लेकिन गॉड डज कभी कभी ना अजीब मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में. आई वॉज डूइंग अ कोर्स जहाँ पर आई मेट माई नाउ आई आसम हुज नाउ माई हस्बैंड. सो विद इन अ मंथ और सो क्लास में मेरे ख्याल में मैंने कोई प्रेजेंटेशन दी थी और समथिंग ही डेवलप्ड एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर मी एंड ही केम टू मी एंड सेड के आई वॉन्ट टू मैरी यू. And what did you say? I was like, मुझे तो type 1 diabetes है, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? He was like, अच्छा ये क्या होती है? So I explained to him, this is the thing. आप इसके बारे में पढ़ लें. उस वक्त तक internet वगैरह काफी common हो चुका हुआ था. So he went home, he read about it a little bit, and then next day he came back to me and said कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है. He came to my parents' home, और मेरी अम्मी अबू ने मेरे ख्याल में 2 hours उनको drawing room में बिठा कर खूब सारा डराया. आसम ने कहा ठीक है फाइन. ही गॉट अटैच्ड विद द हॉस्पिटल फॉर अ वीक टू लर्न हाउ टू गिव इमरजेंसी सपोर्ट टू अ टाइप 1 जस्ट सो ही कुड मैरी यू. फिर मामा ने उन्हें कहा देखो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे कल को, मतलब डोंट कंप्लेन के यू डिडंट नो दैट, यू नीड टू एक्सेप्ट. पहले से क्लियर कर दे बच्चे नहीं होंगे. आसम ने कहा इट्स फाइन विद मी, कोई मसला नहीं है. अल्लाह मियाँ ने देने होते हैं, जिसको देने होते हैं वो दे देगा. वी गॉट मैरिड विद इन 2 months टाइम. एंड a month after my marriage I was expecting. Asim ne my mother ko call ki aur bola aapki medical science bilkul galat kehti hai, miracles do happen.